अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। हमारा न्यूज़ चैनल में आप सभी भाई का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग हमारे प्यारे भाई? अब इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा सऊदी अरब की लेटेस्ट न्यूज़, जरूरी इंपॉर्टेंट अपडेट और आप लोगों की तरफ से इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं, उन सारे सवालों का जवाब होगा इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर ही देखिए ताकि आपको पूरी अपडेट की जानकारी सही और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए, फिर आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। चले सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा उर्दू न्यूज़ की स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं, जिनको कि आप खुद भी देख सकते हैं। सऊदी जवाजात से एक व्यक्ति ने सवाल किया है कि हमारा विजिट वीज़ा का डेट नहीं भरा है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो सऊदी जवाजात की तरफ से रिप्लाई आया, जैसे कि आपको पता है सऊदी अरब में समझे तो हर लोगों के लिए वीज़ा इकामा का टाइम जो कि 30 नवंबर 2021 तक सऊदी का गवर्नमेंट ने फ्री में बढ़ाने के लिए अनाउंस कर दिया है, लेकिन इसमें कुछ लोगों को भरा है और कुछ लोगों को समझे तो नहीं भरा है, और जिनका विजिट वीज़ा था उनका भी कुछ लोगों को भरा है, कुछ लोगों को नहीं भरा है। तो सऊदी जवाजात की तरफ से ये रिप्लाई आया कि जिनका विजिट वीज़ा का टाइम अगर नहीं भरा है, जिनका इकामा का टाइम समझे तो नहीं भरा है, तो वो लोग को समझे तो टेंशन की कोई भी बात नहीं है, सारे लोगों को 30 नवंबर 2021 तक चाहे वीज़ा हो, चाहे इकामा हो, चाहे आपका छुट्टी री एंट्री हो, कोई चीज़ भी हो, आपका 30 नवंबर 2021 तक सबका समझे तो बढ़ाए जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन इसमें टेंशन की आप लोग बिल्कुल भी जो कि बात नहीं है, आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए। चलिए इसी के साथ और अपडेट की जानकारी ले लेते हैं, जो कि इसका भी मैं स्क्रीन शॉट लगाऊँ, जिनको कि आप खुद भी देख सकते हैं। सऊदी अरब में पिछले 20 महीने में ऐसा पहली बार हुआ है, सऊदी अरब के अंदर मक्का और मदीना में जैसे कि टेम्परेचर चेक करने वाला जो मशीन होता था उनको अभी मक्का और मदीना से जो कि हटा लिया गया। जी हाँ मेरे भाई, खैर अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत ही अच्छी अपडेट है। अभी अगर हरम में आप अगर जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, चाहे मदीना में जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो आपको जैसे कि टेम्परेचर चेक करने वाला मशीन से फिर आपको चेक करता था, फिर आपको फिर अंदर जाने की इजाज़त दिया जाता था, लेकिन अभी समझ तो उस जगह से जो कि मशीन को अभी हटा लिया गया है, उस जगह पर जो कि मशीन अभी सऊदी में समझ तो नहीं रखा गया है। चलिए इसी के साथ और अपडेट की जानकारी ले लेते हैं, जो कि इसका भी मैं स्क्रीन शॉट लगाऊं, जिनको कि आप खुद भी देख सकते हैं। सऊदी अरब का कोरोना का अपडेट है जो कि 24 अक्टूबर का अपडेट आप देख सकते हैं। सऊदी अरब के अंदर आज जो न्यू केसेस निकले हैं 47 न्यू केसेस जो कि निकले हैं, बाकी 36 लोग जो कि ठीक हुए हैं, बाकी 2 लोगों की सऊदी अरब के अंदर मौत हुआ, बाकी 79 लोग आज भी जो कि आईसीयू में समझे तो रखा गया है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, टेंशन की कोई भी बात नहीं है कोरोना को लेकर के, खैर इंशाल्लाह सऊदी में समझे तो सब चीज़ धीरे धीरे नॉर्मल होता हुआ जा रहा है। चले इसी के साथ अभी आप लोगों का सवाल और जवाब ले लेते हैं। एक भाई का सवाल आया है, भाई मैं इंडिया में यानी दोनों कोरोना का वैक्सीन लगा लिया हूँ, 4 दिन बाद में इंडिया से दुबई जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ? तो मेरे भाई आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप इंडिया में दोनों डोज अगर लगाए हैं तो आपका फर्स्ट डोज लगे हुए चाहे कितने दिन भी हो गया, आपका लास्ट डोज आप लगाए हैं तो आपका कम से कम आपका 14 दिन कंप्लीट होना चाहिए इंडिया के अंदर, उसके बाद फिर इंडिया से फिर आप समझ दो फ्लाइट के लिए कहीं पर भी आप सफ़र कर सकते हैं। उससे पहले आप कहीं के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो भी आपको फ़्लाइट की टिकट नहीं मिलेगा, कम से कम आपका समझ तो 2 हफ्ता गुजरना ज़रूरी है, उसके बाद फिर इंडिया से कहीं के लिए अगर सफ़र करने के लिए आप सोच रहे हैं तो आप जा सकते हैं, फिर आपको कोई भी दिक्कत का समझ तो सामना नहीं करना पड़ेगा। उससे पहले अगर आप जाते हैं तो आपको दिक्कत आगे चल के आ सकती है। चलिए इसी के साथ और एक भाई का सवाल आया है, इनको भी ले लेते हैं, जिनको कि आप खुद भी देख सकते हैं। इन भाई का कहने का मतलब है, भाई जिनका इकामा 31/7/2021 तक है यानी एक्सपायर हो गया है, तो अगर सऊदी अरब आना चाहे तो किस तरीके से सऊदी अरब अभी हम आ सकते हैं? तो बहुत ही अच्छा आपका सवाल है, जैसे कि पीछे हमने अभी आपको क्या बताया, सऊदी का गवर्नमेंट ने हर आदमी को फ्री में जो कि बढ़ाने का अलाउंस किया है, लेकिन अगर जिनका नहीं भरा है तो उनको समय तो नहीं बढ़ा सकते हैं, उनका समय तो कफील है या कंपनी है कोई भी अगर है सऊदी अरब के अंदर वही आपका काम कर सकता है। जी हाँ मेरे भाई, अगर आप चाहेंगे तो न्यू वीज़ा लगा करके सऊदी अरब आने के लिए तो बिल्कुल भी आप नहीं आ सकते हैं, 3 साल के लिए आप बैन हो चुके हैं। जी हाँ मेरे भाई, उसी वीज़ा अकाउंट में अगर सऊदी अरब आने के लिए सोच रहे हैं, अगर कंपनी है या कफील है कोई भी अगर आपको उसी वीज़ा में अगर बुला रहे हैं तो आप जा सकते हैं नॉर्मल ही तरीके से, वरना आप सऊदी अरब 3 साल तक जो कि बैन हो चुके हैं, 3 साल के बाद ही आप सऊदी अरब जा सकते हैं। जी हाँ मेरे भाई, तो खैर उम्मीद होगा आपको सारा बात बहुत ही अच्छे से और डिटेल से मैं आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो भी अपडेट मिलेगा रियल ही अपडेट मिलेगा, कोई भी फेक न्यूज़ आपको नहीं मिलने वाला।